हेलो गाइस, मदान बुटीक में आपका स्वागत है। गाइस, आज की वीडियो में हम आपको धोती सलवार में प्लेट डालने का परफेक्ट तरीका बताएंगे स्टेप बाय स्टेप, तो इस वीडियो में लास्ट तक बने रहें। ये हमारी बेल्ट है दोस्तों, ये 26 इंच तैयार है। ये देखिए, ये 26 इंच तैयार है। अब दोस्तों हम यहाँ पर देखिए सेंटर से सेंटर को मिलाते हुए और इस तरीके से यहाँ पर एक कट लगा देंगे और एक कट यहाँ पर लगा देंगे। अब दोस्तों ये हमारा जो एक चौथा हिस्सा है, ये हमारा 13 इंच आएगा। दोस्तों ये हमारी देखिए, हमने आसन की सिलाई लगा ली है यहाँ भी और दूसरी साइड भी, और ये हमने यहाँ पर जहाँ पर हमारी सेंटर की प्लेट होती है साइड में, ये हमने यहाँ पर सिलाई लगा दी है। अब दोस्तों देखिए, ये जो सिलाई लगी हुई है यहाँ पर, हम एक इंच पर एक ऐसे निशान लगाएंगे। अब यहाँ पर 2 इंच पर एक निशान लगाएंगे, फिर 1 इंच पर, फिर 2 इंच पर, 1 इंच, 2 इंच, 1 इंच, 2 इंच, 1 इंच, 2 इंच, 1 इंच, 2 इंच। इसी तरीके से हम यहाँ तक आसन तक निशान लगा देंगे। अब दोस्तों ये निशान लगाने के बाद, जो हमने निशान लगाए हैं यहाँ पर, हम कट लगा देंगे इस तरीके से सभी निशानों पर। दोस्तों ये हमने कट लगा लिया जितने हमने निशान लगाए थे। अब इसको देखिए, खोलेंगे हम और दोस्तों ये हमारा पहला कट है और ये हमारा 2 इंच का गैप है। तो यहाँ इस कट को हम उठाएंगे और इस कट पर इस तरीके से रख देंगे और इस पर सिलाई लगा देंगे। अब दोस्तों दूसरा कट उठाएंगे और ये जो दूसरे वाला कट है 1 इंच पर, यहाँ से यहाँ तक इस पर इस प्रकार से रखेंगे और प्लेट डाल देंगे। अब दोस्तों ये वाला कट उठाएंगे और दूसरे कट वाले पर इस तरीके से रखते जाएंगे। इसी तरीके से दोस्तों 1 इंच छोड़कर फिर ये वाला कट उठाएंगे और इस पे यहाँ पे रखेंगे। इस तरीके से दोस्तों ये हमारी प्लेटें बिल्कुल एक समान सारी प्लेटें डलेंगी और इसमें कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। तो उसके लिए दोस्तों मशीन पर चलते हैं। दोस्तों ये हमारी बेल्ट की फ्रंट वाली सिलाई है और ये हमारी बैक वाली सिलाई है। इनको मिलाते हुए हम इस तरीके से इसको रखेंगे बेल्ट को। अब यहाँ से देखिए, इसको नापेंगे तो ये हमारा 13 इंच आ रहा है। अब देखिए, ये हमारी आसन की सिलाई है, यहाँ से हम प्लेट डालना शुरू करेंगे। ये देखिए, जो पहला कट है इस कट को उठाएंगे और जो ये दूसरा कट है इस कट पर इसको रख देंगे। बिल्कुल आसान है प्लेट डालना दोस्तों। इसी तरीके से 1 इंच छोड़कर ये हमने कट लगाया हुआ, फिर इस कट को उठाएंगे और दूसरे कट पर ऐसे रख देंगे। अब ये कट उठाएंगे और दूसरे कट पर फिर से इसको रख देंगे। अब ये कट उठाएंगे और यहाँ पर इसको रख देंगे। अब ये वाला कट उठाएंगे और इसको दूसरे कट पर रख देंगे। अब ये वाला कट उठाएंगे, इसी तरीके से हम सभी प्लेटों को डालेंगे। अब ये वाला कट उठाएंगे और अगले कट पर रखते हुए फिर सिलाई लगा देंगे। इसी तरीके से ऐसे, अब यहाँ से उठाएंगे और अगले कट पर इसको रख देंगे। अब दोस्तों इसको एक बार नापेंगे हम। अब एक प्लेट और रह गई दोस्तों हमारी, इसको उठाएंगे और अब हम इसको नापेंगे यहाँ से। देखिए, तो ये हमारा 13 इंच आ जाएगा।
तो दोस्तों देखिए, ये हमने एक साइड में प्लेट डाल दी है, ये हमारी देखिए 13 इंच में आ गई है। अब दोस्तों यहीं से हम दोबारा से सिलाई शुरू करेंगे इस तरीके से, और देखिए यहाँ से कट को उठाएंगे और इस कट पर रखते हुए इस तरफ, क्योंकि उस साइड की प्लेटें हमने इस तरफ की थी, अब ये हम इस तरफ करेंगे। ये देखिए ऐसे, अब ये उठाएंगे और यहाँ पर रखेंगे, अब ये कट उठाएंगे और यहाँ पर रखेंगे, अब ये कट उठाएंगे यहाँ पर रखेंगे, ये कट उठाएंगे यहाँ पर रखेंगे। दोस्तों इस तरीके से आप बिल्कुल आसान तरीके से अपनी प्लेटें डाल सकते हो और उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, छोटी बड़ी भी नहीं होंगी और एक सी प्लेटें डलेंगी, उनका गैप भी बिल्कुल एक सा होगा, जिससे कि इसका गेटअप भी बहुत अच्छी तरह से आएगा इस तरीके से डालते हुए हम सभी प्लेटों को अच्छी तरह डाल देंगे। ये देखिए दोस्तों हमारी इस साइड की भी प्लेटें डल गई है, अब इनको नापेंगे हम यहाँ से, तो ये भी हमारी 13 इंच में आ रही है, तो ये बिल्कुल परफेक्ट तरीके से हमारी बेल्ट आएगी। अब दोस्तों ये हमने एक साइड की प्लेटें डाल दी हैं, अब दूसरी साइड की प्लेटें डाल लेते हैं, उसके बाद फिर बेल्ट चढ़ाना बताऊँगा मैं आपको। तो दोस्तों ये हमने देखिए चारों तरफ प्लेट डाल ली है, अब दोस्तों देखिए हम ये इसको उल्टी तरफ रखेंगे और ये हमारा आसन है, इस तरफ रखते हुए हम अपनी बेल्ट को लेंगे और जो जहाँ पर हमने ये नाड़े का रास्ता बनाया हुआ है वहाँ से इसको इस तरीके से रखते हुए सेंटर से मिलाते हुए और यहाँ से हम सिलाई लगाएंगे, प्लेटों को सीधा रखेंगे। और इस तरीके से हम बेल्ट को चढ़ा देंगे। अब देखिए जो ये हमने सेंटर का निशान लगाया था, ये हमारा सेंटर का निशान यहाँ पे जो हमारी साइड में प्लेटें हैं वहाँ पर आना चाहिए इस तरीके से। अब इसको फिर पकड़ेंगे और इस तरीके से अब देखिए ये हमारा बैक, इस बैक की वो है सिलाई और ये हमारी दूसरे वाला आसन है, और इससे इसको मिलाएंगे यहाँ से। अब यहाँ से कपड़े को पकड़ते हुए इस तरीके से सिलाई लगा देंगे। अब दोबारा से ये दूसरा वाला कट लेंगे और यहाँ पर मिलाते हुए साइड वाली प्लेट से और कपड़े को बराबर रखेंगे इस तरीके से। और इस तरीके से पूरी बेल्ट को चढ़ा देंगे। तो दोस्तों देखिए ये हमारी प्लेटें बिल्कुल एक समान आई हुई है और एक जगह से ये देखिए यहाँ पर हमारी प्लेटें बिल्कुल और नीचे तक बिल्कुल सफाई से, ये हमारी जो लुक आती है धोती सलवार की वही लुक है। तो दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर प्रेस करके ऑल पर सेट करें, जिससे हमारी हर नई वीडियो आपके पास आएगी। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।